हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी WhatsApp पे स्टेटस नहीं लग पा रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp के स्टेटस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि WhatsApp पे हमारा स्टेटस जो है वो नहीं लग रहा है, तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे इसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने WhatsApp फ़ोन में ओपन किया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम स्टेटस पे चलते हैं और यहाँ पे माई स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से एक पॉपअप आ जा रहा है और हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ से नहीं लग पा रहा है। देख सकते हैं नीचे एक नॉट नाउ और सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है। नॉट नाउ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कट जाएगा, वापस से हम इस पे क्लिक करेंगे तो यही आ रहा है, बिल्कुल भी स्टेटस जो है हमारा नहीं लग रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है और इसे हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक कर देंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको सेटिंग करके बताऊंगा उसी तरह से आपको भी अपने फ़ोन में सेटिंग कर लेना है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप माई स्टेटस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है, देख सकते हैं सेटिंग्स। अब जैसे ही आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली WhatsApp का जो सेटिंग होता है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो WhatsApp का सेटिंग है वो खुल चुका है। अगर आपको वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग नहीं खुलता है तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि कहाँ से आपको वो सेटिंग पे जाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन के सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ऐप्स, ऐप्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद माई ऐप्स मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऊपर में WhatsApp सर्च कर लेना है। देख सकते हैं ये हमारा WhatsApp आ गया है, WhatsApp पे क्लिक करेंगे और वापस से आप उसी सेटिंग पे आ जाएंगे। जब आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यही वाला सेटिंग यहाँ पे खुलता है। चलिए सेटिंग पे आ गए हैं, अब यहाँ पे आपको एक परमिशंस का ऑप्शन दिखाई देगा, परमिशंस पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो परमिशन है वो अलाउड नहीं है, इसके कारण वहाँ पे हमारा जो स्टेटस है वो नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे नॉट अलाउड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कैमरा दिया हुआ है, कैमरा का यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर अलाउ वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करके इसे अलाउ कर देंगे, यहाँ से बैक कर देंगे तो ये अलाउड में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट परमिशन यहाँ पे ये है, फोटोज एंड वीडियोज, तो इस पर आपको क्लिक करना है और इसे भी आपको अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना है। उसके बाद बैक कर लेंगे तो ये भी हमारा जो फोटोज और वीडियोज और कैमरा का जो परमिशन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमारा जो सेटिंग है वो हो गया है कंप्लीट। अगर आपका और भी कोई परमिशन जैसे माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट्स, ये सब का परमिशन नहीं दिया हुआ है तो आप नीचे से परमिशन को अलाउ कर सकते हैं और अलाउ करने के बाद यहाँ से हम अब बाहर आ जाते हैं और अब हमारा WhatsApp पे स्टेटस लगना शुरू हो जाएगा। अब हम बहुत ही आसानी से WhatsApp पे स्टेटस लगा सकते हैं। चलिए WhatsApp ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो WhatsApp का स्टेटस है वो यहाँ पे खुल के आ गया। चलिए मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। स्टेटस में माई स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गैलरी है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है और अब यहाँ से हम बहुत ही आसानी से कोई भी स्टेटस लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि WhatsApp पे इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।